हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू करी स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है तो आज के इस वीडियो में हम 2016 के करंट अफेयर्स जो है वो कवर कर रहे हैं टोटल इसके बाद जो हमारी वीडियो होगी करंट अफेयर पर वो 2017 के करंट अफेयर्स होंगे और उनको हम काफी डिटेल में करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर टू का करंट अफेयर आते हैं तो वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होंगे यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर होंगे और अगर 2017 के जो आएंगे वो काफी डिटेल में होंगे तो 2017 को हम बिल्कुल डिटेल में करेंगे 2016 थाउजेंड हम यहां पर आज फिनिश कर रहे हैं और साथ साथ में आप जितने भी आपको कोई आर्टिकल्स वगैरह मिलते हैं वहां से आप स्टडी करते रहिए ताकि आपकी इंग्लिश में जो आपके सिनोनिम एंटोनिम्स हैं उन वर्ड्स को सर्च कीजिए न्यूज़पेपर्स वगैरह में जो नए वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग सर्च कीजिए उससे रिलेटेड जितने भी सिनोनि एंटोनिम बनते हैं और कुछ आर्टिकल भी दिए होते हैं इससे रिलेटेड ही तो वो आप सारे रीड कीजिए तो यहां पर हम आज टू के कवर कर रहे हैं फाइनल तो स्टार्ट करते हैं यहां पर सबसे पहले है हमारे पास द एथलीट फ्रॉम हरियाणा हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन अ गोल्ड मेडल एट एनी वर्ल्ड इवेंट बाय विनिंग द गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो एट अंडर ट्वेंटी वर्ल्ड चैंपियनशिप इन वाइट पोलैंड ही हैज ऑल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू क्रिएट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड देखिए हरियाणा से है ये अंडर ट्वेंटी वर्ल्ड चैंपियनशिप जो पोलैंड में हुई इनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंडियन एथलीट है जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है और ये फर्स्ट ही इंडियन इस तरह के है जिन्होंने एथलीट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है तो फर्स्ट इंडियन है इस तरह के ये इनका नाम है नीरज चोपड़ा तो आपने याद रखना है नीरज चोपड़ा और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जेवलिन थ्रो में तो ये आपने याद रखना है नेक्स्ट है हमारे पास द स्क्वैश प्लेयर हु हैज हुन द सेवेंटी नेशनल स्क्वेस चैंपियनशिप मैं टाइटल डिफीटिंग हरिंदर पाल सिंह संधु इन द फाइनल देखिए चैंपियनशिप जो है स्कोश चैंपियनशिप सेवेंटी थर्ड नेशनल स्कैश चैंपियनशिप है ये और इन्होंने किसने जीती है ये सौरभ घोसल ने सौरभ घोसल ने ये जीती है और उन्होंने डिफीट किसको किया हरिंदर पाल सिंह संधु तो इनको इन्होंने डिफीट किया एंड सेकंड जो हमारे पास इससे बिल्कुल रिलेटेड है द स्क्श प्लेयर हुई थर्ड नेशनल स्क्वेस चैंपियनशिप वुमेन्स टाइटल डिफीटिंग जोशना चिनापा इन द फाइनल देखिए ये जो है ये वुमेन्स की चैंपियनशिप थी स्क्वैश में ही सेवेंटी थर्ड नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप वुमेन्स टाइटल ये किसने जीता है दीपिका पल्लिकल तो दीपिका पल्लिकल का क्वेश्चन जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें काफी पूछा जा रहा है बिकॉज दी, दीपा कर्माकर जो थी जिम्नास्टिक में तो उनकी वजह से दीपा दीपिका दीपा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं और ये वैसे भी इन्होंने चैंपियनशिप जीती है तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए तो याद रखना है सेवेंटी थर्ड नेशनल स्क्वे चैंपियनशिप जो है वो किसने जीती दीपिका पल्लिकल और सेकंड आपको यहां से क्या क्वेश्चन मिल रहा है दीपिका पल्लिकल जो है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये है स्कैश से रिलेटेड नेक्स्ट हमारे पास द इंडियन बॉक्सर हु हैज बिकम द डब्ल्यू एशिया पैसिफिक सुपर मिडल वेट चैंपियनशिप डे ऑस्ट्रेलियन कैरी होब एट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली देखिए ये तो आपको सभी को पता ही है कि ये जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है एशिया पैसिफिक सुपर चैंपियनशिप ये सिंह ने जीती है ये हमारे इंडियन बॉक्सर है विजेंद्र सिंह और इन्होंने कैरी होप को हराया था तो आपने दोनों याद रखने हैं कि फाइनल में इन्होंने कैरी होप को हराया था उसके बाद इंडियन जिमनास्ट हु हैज बीन नेम्ड वर्ल्ड क्लास जिमनास्ट बाय द फेडरेशन इंटरनेशनल दी जिमनास्ट बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू रिसीव द अवार्ड देखिए ये जो है एफ आई जी है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल द जिम्नास्ट तो इन्होंने इनको वर्ल्ड क्लास जिम्नास्ट बताया है ये इंडियन जिमनास्ट है दीपा कर्माकर तो ये आपने याद रखना है नेक्स्ट है द इंडियन मॉडल एंड एक्टर हुम द फर्स्ट एशियन टू विन द मिस्टर वर्ल्ड टाइटल इन पीस बाय द मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन इन साउथ पोर्ट यू के ये इंडियन मॉडल एंड एक्टर हैं और फर्स्ट एशियन है जिन्होंने ये मिस्टर वर्ल्ड का टाइटल जीता है ये है रोहित खंडेवाल तो ये आपने याद रखना है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए रोहित खंडेवाल को मिला था मिस्टर uh, वर्ल्ड का टाइटल और ये फर्स्ट हैं एशिया की तरफ से ही फर्स्ट हैं नेक्स्ट है हमारे पास द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश हु हैज सक्सीडिड नबम तुकी बिकमिंग करंटली दंगेस्ट चीफ मिनिस्टर इन द दे कंट्री देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि इस टाइम जो है यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर कौन है तो वो है पेमा खांडू पेमा खांडू जी जो है ये सबसे कम उम्र के चीफ मिनिस्टर बने हैं फिलहाल और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं ये सीएम है और इन्होंने किसको सक, किसको पीछे छोड़ा है इस रिकॉर्ड में तो ये है नबम तुकी नबम तुकी जी को इन्होंने पीछे छोड़ा है और जस्ट इनकी थर्टी सेवन की, की एज है इस टाइम इस टाइम मतलब जिस टाइम ये बने थे उस टाइम थर्टी सेवन की एज थी थर्टी एट रख लीजिए बिकॉज में बने थे ये नेक्स्ट है हमारे पास द द एशियन कंट्री हैज डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखिए ये क्वेश्चन काफी बार अगर आप दो तीन साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो मलेरिया फ्री इबोला फ्री ये जो क्वेश्चन है ये काफी पूछे जाते हैं तो मलेरिया फ्री किसको डिक्लेयर किया गया द एशियन कंट्री विच हैजिन डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इट इज द थर्ड एंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन एशिया आफ्टर मालदीव एंड सिंगापुर टू बी डिक्लेयर मलेरिया फ्री देखिए कितने क्वेश्चन आपके पास क्लियर हो रहे हैं सबसे पहले तो एशियन कंट्री कौन सी है जिसको मलेरिया फ्री अभी रिसेंटली डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है वो है श्रीलंका और श्रीलंका जो है वो कितने नंबर पर आया मलेरिया फ्री में थर्ड नंबर पर आया ठीक है इससे पहले किस किस को फ्री किया हुआ है मालदीव्स एंड सिंगापुर को ठीक है तो ये आपने याद रखना है मालदीव एंड सिंगापुर के बाद अब थर्ड नंबर पर श्रीलंका को बी डब्ल्यू एच ओ ने मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया है नेक्स्ट हमारे पास कुछ मैन बुकर प्राइज की लिस्ट है यहां पर 2016 का जो मैन बुकर प्राइज है वो किस किस को मिला है तो एक तरफ हमने ऑथर लिखा है दूसरी तरफ उसकी बुक तो सबसे पहले है पॉल बिटी ये यूएस से हैं और इन्होंने इनको मैन बुकर प्राइज मिला है अपनी बुक जो है द सेल आउट के लिए तो ये हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था नेक्स्ट है हमारे पास डेब्रो लेवी और ये भी यूके से हैं और इनको हॉट मिल्क बुक, बुक के लिए ये मैन बुकर प्राइज मिला है उसके बाद है ग्रेमी मैक्रे बनेट और ये भी यूके से हैं इनको मिला है हिज ब्लडी प्रोजेक्ट के लिए ठीक है एंड उसके बाद है हमारे पास ओटिसा मोस्फे ये भी यूएसए हैं और इनको एलिन एलिन के लिए मिला है अपनी बुक एलिन के लिए मिला है मैन बुकर प्राइज एंड नेक्स्ट डेविड डेविडेले ये कनाडा से हैं कनाडा यूके बेस्ड हैं और ऑल दैट मैन इज इस बुक के लिए इनको ये मैन बुकर प्राइज मिला है एंड लास्ट टाइम मेडल इन थीम ये कनाडा से हैं और इनकी बुक थी डू नॉट से वी हैव नथिंग तो इस बुक के लिए इनको ये प्राइज मिला है अब हमारे पास ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट है रिसेंटली अगर हम एग्जाम्स देखें तो वहां पर पूछे गए हैं और वैसे भी आपके जो एफकार का एग्जाम है उसमें ये काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे तो कुछ इनको देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द फेस्टिवल नौकरी जूहर मेनली सेलिब्रेटेड तो नौकरी जूहर मेनली सेलिब्रेटेड किया जाता है ओडिशा में तो डायरेक्टली मैं आंसर बोल रहा हूँ आपके पास ऑप्शन हैं इस तरह से ऑप्शन आ सकते हैं उड़ीसा में इसको सेलिब्रेट किया जाता है सेकंड है वेर आर द टू थाउजेंड एशियन गेम्स शेड्यूल टू बी हेल्ड देखिए 2026 में एशियन गेम्स कहाँ होगी तो ये होंगी नागोया में याद रखना है आपने नागोया में होंगी नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन फिफ्थ सेप्टेम्बर को विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स तो ये जो है इसमें क्या होता है पासिंग अवे ऑफ मदर टेरेसा ये किस की याद में मनाया जाता है पासिंग अवे ऑफ मदर टेरेसा याद रखना है आपने इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी ऑब्जर्व किया जाता है पांच सितंबर को किसकी याद में पासिंग अवे ऑफ मदर टेरेसा ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डिड टी मरियपन ऑफ इंडियन विन अ गोल्ड मेडल एट 2016 पैरालंपिक गेम्स देखिए पैरालंपिक्स हैं ओलंपिक नहीं है तो किस में जीता है उन्होंने नाम क्या है डिड टी मरियपन टी मरियपन ने गोल्ड मेडल किस में जीता तो उन्होंने जीता है हाई जंप में ठीक है टी मरियपन ने गोल्ड मेडल जीता है हाई जंप में और किस में जीता है टू थाउजेंड सिक्सटीन पेरालंपिक्स में नेक्स्ट है वेयर इज द डिफेंस सर्विसेज स्टाफ वेयर इज द डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज लोकेटेड तो ये भी आपने याद रखना है ये कहां पर है वेलिंगटन डिफेंस सर्विसेज स्टाफ जो है वो है वेलिंगटन में नेक्स्ट हमारे पास है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड जीएसटी काउंसिल तो जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन है ये भी काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए तो ये फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं बिकॉज जीएसटी बिल जो है वो टोटली एक तरह से हम बोल सकते हैं धन विधेयक से ही रिलेटेड है तो उसकी वजह से इसके जो चेयरपर्सन है वो है फाइनेंस मिनिस्टर उसके बाद है हमारे पास राजीव राम इज अ टेनिस प्लेयर हु प्लेज फॉर देखिए राजीव राम जो है वो टेनिस प्लेयर है वो किस कंट्री के लिए खेलते हैं तो ये खेलते हैं यूएसए के लिए याद रखना है आपने राजीव राम खेलते हैं यूएसए के लिए नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय डब्ल्यू एच ओ तो अभी अभी आपको बताया था कौन सी फ्री कहा गया है श्रीलंका को नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज सुष्मिता राय एसोसिएटेड देखिए सुष्मिता राय जो है वो किस खेल से संबंधित है तो ये है मार्शल आर्ट्स से मार्शल आर्ट्स से संबंधित है सुष्मिता राय नेक्स्ट है प्रबल दोस्तिक सिक्सटीन वाज अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडिया एंड देखिए ये आपको लास्ट टाइम कवर करवाया था तो आपको इस टाइम तक इसका आंसर क्लियर होना चाहिए कि प्रबल दोस्तिक जो है, प्रबल थाउजेंड 2016 16 जिसे कहा गया है ये जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये किस किस के बीच में हुई थी तो ये हुई थी इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में ठीक है इंडिया एंड कजाकिस्तान नेक्स्ट है विच स्टेट डज नॉट शेयर द वाटर्स ऑफ रिवर कॉरवे तो किसको शेयर नहीं की जाती है कौन सी स्टेट है जो शेयर नहीं करती है तो ये है आपके पास आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश जो है ये वाटर इस वाटर को रिवर कावेरी सॉरी कावेरी जो रिवर है आ, कावेरी रिवर के वाटर को आंध्र प्रदेश शेयर नहीं करता है उसके बाद है ट्वेल्थ हमारे पास हु ऑफ द फॉलोइंग द यूएस ओपन टू थाउजेंड सिक्सटीन वुमेन सिंगल टाइटल देखिए यूएस ओपन 2016 इन सिंगल टाइटल है ये तो ये जीता था एंजेलिक कैरबर ने एंजेलिक कैरबर तो ये आपने याद रखना है एंड नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ द ग्रेट एप्स हैज बीन मूवड फ्रॉम इंडिगरड टू तो ये जो है कौन सी जो फैमिली है वो ग्रेट एप्स में से है और वो मूव की गई है इंडिगरड टू कहा को मूव हुई है ये हमने बताना है तो क्रिटिकली इंडेगर्ड कैटेगरी बाय द आईयूसीएन तो इंडेगर्ड जो है वो कैटेगरी है इसमें से वो क्रिटिकली इंडेगर्ड कैटेगरी में मूव कर दी गई है आईयूसीएन द्वारा तो हा ये हमने बताना है कि कौन से हैं कौन सी फैमिली है तो ये हुई है ईस्टर्न गोरिल्ला फैमिली देखिए ईस्टर्न गोरिल्ला फैमिली जो है वो इंडेगर्ड कैटेगरी में से क्रिटिकली इंडेगर्ड फैमिली में मूव कर दी गई है नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट अवार्डेड द आईसीएफए बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड फॉर टू थाउजेंड सिक्सटीन एट द नाइन्थ ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट इन न्यू दिल्ली देखिए कौन सी स्टेट जो है जिसको अवार्ड मिला आईसीएफए बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट टू थाउजेंड सिक्सटीन एट द नाइन्थ ग्लोबल एग्रीकल्चर नाइन्थ जो ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट था न्यू दिल्ली में तो ये भी आपका क्वेश्चन बन गया कि नाइन्थ ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट जो है वो कहा हुआ तो वो हुआ नई दिल्ली में और उसमें बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट किसको मिला तो वो मिला है उड़ीसा को उड़ीसा को बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट मिला है उसके बाद है हमारे पास विच दादरी हैज बीन अनाउंस टू बी द ट्वेंटी सेकेंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा सॉरी जो चरखी दादरी है चरखी दादरी हैज बीन अनाउंस टू बी द ट्वेंटी सेकेंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा द डिस्ट्रिक्टीन क्रिएटेड आउट ऑफ देखिए यहाँ पर अब जो हरियाणा है इसमें बाईस डिस्ट्रिक्ट हो गई हैं और लास्ट में किसे बनाया गया है चरखी दादरी अब चरखी दादरी जो है वो कहां से अलग किया गया है मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में से अलग किया गया है तो ये आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ये किया गया है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में से भिवानी में से इसको अलग किया गया है तब ये नई डिस्ट्रिक्ट बनी है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म हैज चूजन टू बी इंडिया ऑफिसियली एंट्री एट द एंथ अकेडमी क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म टू बी इंडियाज ऑफिशियल एंट्री एट द एटी नाइन्थ अकेडमी अवार्ड इन टू थाउजेंड सिक्स सेवनटीन तो ये चूज किया गया था वीजा रानी को नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल बराक एट विच वॉज रिसेंटली टेस्ट हैज फाइर्ड ज्वाइंटली डेवलप्ड बाई इंडिया एंड देखिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो बराक एट है वो किस किस ने डेवलप किया है तो ये डेवलप किया है इंडिया एंड इजराइल ने इंडिया एंड इजराइल ने उनको इकट्ठे डेवलप किया है तो आपने याद रखना है ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए नेक्स्ट है अंडर द न्यू इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च बाय द इंडियन रेलवेज व्हाट इज द कंपनेशन पेबल इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एन इंस्योर ट्रेवलर देखिये क्या कंपनसेशन मिलेगा अगर जो uh, कोई हमारे पास ट्रेवलर है उसकी डेथ होती है तो यह दिया जाता है टेन लाख का दस लाख रुपए का कंपनसेशन है तो याद रखना है आपने इंडियन रेलवे की तरफ से ठीक है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ऑन द ओकेजन ऑफ द सैनिटरी सेलिब्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज वाज मेमोरेटिव स्टैम्प इश्यूड बाई द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तो ये है लेडी है याद रखना है लेडी हेडिंग मेडिकल कॉलेज ने यह स्टैम्प जो है इस्यूड किया है तो ये आप याद रखेंगे नेक्स्ट हमारे पास है वो ऑफ द फॉलोइंगज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अवारेड ऑनरेरी लाइफ मेंबरशिप ऑफ मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब देखिए ये जो है बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिनको अवार्ड मिला है ये, तो ये आपको याद रखना है कि कौन है ये तो ये है अर्जुन चोपड़ा अंजुम चोपड़ा सॉरी अंजुम चोपड़ा जो है ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है उसके बाद है हमारे पास इन विच स्टेट इज द नरोपा फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड आफ्टर ट्वेल्व ईयर्स नरोपा फेस्टिवल जो है ट्वेल्व इयर्स के बाद कहां पर सेलिब्रेट किया गया तो ये जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया तो आपने याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर में नेक्स्ट है एट विच ऑफ दूटर कंप्यूटिंग फैसिलिटी पी ए रैम एंड आई एस एच एन ए रिसेंटली लॉन्च देखिए ये सुपर कंप्यूटर uh, जो कंप्यूटिंग फैसिलिटीज हैं ये लॉन्च हुई है किस स्टेट में तो ये आपको याद रखना है ये गुवाहाटी में आई आई टी गुवाहाटी में ये लॉन्च हुई है ठीक है उसके बाद है हमारे पास फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च द इंस्टेंट मैसेजिंग मोबाइल एप नेम एलो तो एलो जो है ये आ, किस किसने इसको लॉन्च किया है तो so, इसका भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस कंपनी ने एलो को लॉन्च किया है तो so, ये लॉन्च किया है गूगल ने गूगल की तरफ से है ये एंड नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ज्वाइंटली कंडक्टेड द मिलिट्री एक्सरसाइज ड्रुजबा 2016 थाउजेंड सिक्सटीन रुजबा टू जो है तो यह हुआ था पाकिस्तान एंड रशिया के बीच में तो यह भी आपको कवर करवाया था लास्ट टाइम कि पाकिस्तान एंड रशिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी एंड लास्ट टाइम हमारे पास द रीजन ऑफ अमेरिकाज वाज रिसेंटली डिक्लेयर फ्री फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज बाई दब्ल्यू एच ओ द रीजन ऑफ अमेरिका वाज रिसेंटली डिक्लेयर फ्री फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज तो अमेरिका के रीजन को डिक्लेयर किया गया है मीजल्स फ्री मिजल्स जो है डिसीज से फ्री किया गया है डब्ल्यू एच ओ द्वारा अमेरिका के रीजन को मिजल्स फ्री तो ये हमारे कुछ ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन थे इनको आपने रीड कर लेना है और आपको पीडीएफ फाइल जो है इससे रिलेटेड ये मिल जाएगी यहाँ पर और आंसर्स भी जो है वो लास्ट में दिए हुए हैं तो इनको आपने स्टडी करते रहना है एक जैसे जैसे आपको टाइम लगता है आप रिवाइज करते रहिए तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ थैंक यू